हाय फ्रेंड्स, तो आज लेकर आई हूँ आपके लिए ये डिलिशियस रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का। किस तरीके से घर पे ही बनाया जाए, गैस पर भी, और अगर आप ओवन में बनाना चाहते हैं तो ओवन में भी, दोनों तरीके के मेथड शेयर करूँगी इस रेसिपी में आज आपके साथ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बाटन चैनल, और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी सिंपल सी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे आपके साथ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक जरूर से दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर से क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस आपको मिल जाए अपलोड करते ही। तो बस बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं ये मजेदार सी रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये देख सकते हैं आप 3 तरीके की शिमला मिर्च काट के तैयार कर लिए, और साथ में अनियन बल्ब्स एक मीडियम साइज अनियन के काट कर तैयार कर लिए हैं। अब हमने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम्स पनीर, जिसके क्यूब्स कट कर रही हूँ मैं। मैं यहाँ पर थोड़े थिक क्यूब्स कट कर रही हूँ क्योंकि पनीर टिक्का यूजुअली थिक पनीर क्यूब्स का बहुत ही अच्छा देखने में भी लगता है, और खाने में ज़्यादा पनीर किसको नहीं पसंद है। छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं वो स्क्वेयर्स पे कई बार लगाने में जब हम ओवन में भी डालते हैं या तवे पे भी करते हैं तो टूटने लगते हैं, इसलिए थोड़े थिक साइज़ के पीसेस को कट करें। अब मैरिनेट तैयार करते हैं, जिसके लिए आधा कप दही, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में 3 से 4 टेबलस्पून आप ले लें कोई भी तरीके का ऑयल। मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं या मस्टर्ड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल से भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। उसके बाद इसमें जाएगा नमक, नमक ऐड कर दें आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट। साथ में इसमें गया है 2 टीस्पून बेसन, 2 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून ही धनिया पाउडर, 1 चम्मच से थोड़ा कम ब्लैक पेपर पाउडर, 2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच गार्लिक पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 to 2 टीस्पून इसमें डाले कसूरी मेथी और फ्रेशली कटा हुआ धनिया और पुदीना के पत्ते, साथ में ये आधा नींबू का रस इसमें मैंने निचोड़ दिया है। अच्छे से इसको कर लेते हैं मिक्स। ये मैरिनेट हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का के लिए थोड़ा सा फूड कलरिंग ऐड कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं ये स्टेप। मिक्स करेंगे इसको, और अब इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे पनीर क्यूब्स, ताकि पनीर क्यूब्स पर हम अच्छे से मैरिनेट को कोट कर सकें, बहुत ही जेंटली हाथों से मिक्स करके। अगर हम ज़्यादा विगरसली इसको मिक्स करेंगे तो पनीर के पीसेस जो हैं वो हमारे टूटने लगेंगे। तो जब भी आप मैरिनेट बनाएं, ये ध्यान रखें कि बेसन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना करें मैरिनेट में। बस बेसन को हल्का सा इसलिए डाला जाता है कि थोड़ा सा क्रिस्प इसके ऊपर एक कोटिंग आ जाए, बहुत ही थिन सी। अगर हम बेसन ज़्यादा कर देंगे तो वो कोटिंग जो है थिक हो जाती है, जो बाद में उतरने लग जाती है, और फिर रह जाता है आपका सिर्फ प्लेन पनीर, जो खाने और देखने दोनों में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब मैंने इसके अंदर आप देख सकते हैं जो वेजीज काटे थे, यानी कि जो बेल पेपर और अनियन बल्ब्स काटे थे, वो भी मिक्स कर दिए हैं, और बिल्कुल जेंटल हाथों से सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इस स्पैचुला की मदद से बस इस तरीके से जेंटली इसको एक बार मिक्स कर रहे हैं, ताकि नीचे जो मैरिनेट है वो भी सब अच्छे से कोट हो जाए, जो वेजीज़ हैं और पनीर है उस पर। तो ये हमारा मैरिनेट बिल्कुल तैयार है पनीर टिक्का का, और अब बस इसको ढककर मैं अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 मिनट्स के लिए रख दूँगी साइड पर। फ्रिज में मैं इसको नहीं रख रही हूँ। अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो इसको बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है फ्रिज में, वरना जब आप स्क्वेयर्स पे टिक्का निकाल कर लगाने लगेंगे तो पनीर के पीसेस ओवर मैरिनेशन से टूटने लगते हैं। अब ये देख सकते हैं आप, अप्रॉक्सीमेटली 20-25 मिनट्स के लिए मैंने इसको रख दिया था। ये फॉइल एक प्रिपेयर कर लिया है, जिसमें मैं कोयले का धुआं दे रही हूँ, हल्का सा कोयले पे, जले हुए कोयले पे घी डाल दिया है, और 10 मिनट के लिए इसको और इस तरीके से कोयले का धुआं लगा दिया है। तो 2 तरीके के स्क्यूअर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वुडन स्क्यूअर्स या स्टील स्क्यूअर्स। मैं यहाँ पर वुडन स्क्यूअर्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको मैंने 30 मिनट्स के लिए पानी में सोख करके रख दिया था, और अब उसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। बस जो हमने कोयले का धुआं लगाया है टिक्का के ऊपर, अब बस सारी चीज़ों को लेयर करना है एक रैंडम से फैशन में, जिसमें बेल पेपर्स, अनियन एक साइड लगाएं, और उसके बाद एक पनीर लगाएं, फिर 3-4 बेल पेपर अनियन का मिक्स लगाएं और एक पनीर लगाएं, और इस तरीके से आप प्रिपेयर कर लें अपने सारे स्क्यूअर्स। ये देखिए, तो ये मेरे 5 स्क्यूअर्स तैयार हो चुके हैं, जिसमें से 2 मैं तवे पे फ्राई करके आपको दिखाने वाली हूँ किस तरीके से टिक्का हम तवे पे स्टर फ्राई करके बनाएंगे। तो ये बटर से मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है पैन को,
मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल करा और थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिए। और बस अब इसको तवा अच्छा गर्म जब हो जाए तो इसको आप स्क्यूअर्स को इस तरीके से प्लेस कर दें और लो मीडियम फ्लेम पर इसको सारी साइड से पकाना है आपको। पहले एक साइड पकने दें 1-2 मिनट और उसके बाद टर्न करना हम इसको शुरू करेंगे। तब तक हमने यहाँ पर अवन वाले स्क्यूअर्स की तैयारी कर ली है। इस तरीके से एक रैक का इस्तेमाल करें जिससे कि जो भी ड्रिपिंग है मैरिनेट की वो नीचे गिरे। और इसको हम पहले प्री हीटेड अवन में पकाएंगे। 180 डिग्री सेल्सियस पर मैंने 10-15 मिनट्स के लिए अवन को प्री हीट कर लिया था और अब इसको 7-10 मिनट्स के लिए एक साइड पे पकाएंगे और उसके बाद टर्न करना शुरू करेंगे। तब तक देख लेते हैं ये तवे वाला जो हमारा टिक्का है वो किस तरीके से पक रहा है। आप देख सकते हैं मैंने इसको टर्न कर लिया है और बहुत ही अच्छे से ब्राउन इसके ऊपर एक क्रस्ट आ गया है। तो तवे पे भी बनाना पनीर टिक्का बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन जब ज़्यादा अमाउंट में हम बनाते हैं तो अवन कन्वीनियंट मेथड रहता है कि आप सारे स्क्यूअर्स पे लगाकर और अवन में डाल दें। कम बनाना हो पनीर टिक्का तो तवे पे बहुत अच्छे से बन जाता है। और आप ये देख सकते हैं इस तरीके से आप स्क्यूअर्स को बस घुमाते जाएँ, जो साइड हो गई है जिस पर अच्छे से क्रिस्प आ गया है उसको टर्न करते जाएँ। इस तरीके से आप सेपरेट सेपरेट पनीर के पीसेस को भी टर्न कर सकते हैं। जब पनीर टिक्का आपका चारों तरफ से इवेनली पक जाए तो आप इस तरीके से गैस के ऊपर भी टिक्का को सेक सकते हैं जिससे कि बिल्कुल रेस्टोरेंट तंदूर इफेक्ट आ जाता है। थोड़े थोड़े ब्लैक स्पॉट्स जो आ जाते हैं, देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है टिक्का। तो बस टिक्के को निकाल के आप इस तरीके से अवन में से इसको कोट कर दें, बटर से, ऑयल से, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं उससे ब्रश कर दें अच्छे से जिससे कि ये बिल्कुल ड्राई ना होने पाए। ड्राई हो जाएगा तो थोड़ा हार्डनेस आ जाती है पनीर में, फिर पनीर खाने में टेस्टी नहीं लगता। पनीर सॉफ्ट और जूसी ही अच्छा लगता है। जब आप इसको ओवन में प्लेस करें तो इस तरीके से 6-7 मिनट बाद इस तरीके से साइड्स इसकी टर्न कर दें। तो ये जो हमने तवे पे फ्राई करा था वो टिक्का हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। गर्मा गर्म ही टिक्का अगर आप सर्व करेंगे तो उसका असली मज़ा उठा पाएंगे। इसको गर्मा गर्म सर्व करें प्याज के लच्छों के साथ, साथ साथ हरी चटनी हो तो मज़ा ही आ जाता है पनीर टिक्का का और रुमाली रोटी के साथ। बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन है इसका। तो ये बस लास्ट 5-6 मिनट्स के लिए मैंने पनीर टिक्का को निकाल लिया है। बस थोड़ा सा इसको हम स्प्रे कर रहे हैं ऑयल से जिससे कि बिल्कुल ड्राई ना लगे। और लास्ट 5-6 मिनट्स के लिए मैं फिर से इसको ओवन में डाल दूंगी और उसके बाद बिल्कुल रेडी है ये गर्मा गर्म सर्व करने के लिए। तो पनीर टिक्का के किस तरीके का साइज़ आपने, किस तरीके की थिकनेस कट करी है और किस तरीके का ओवन आप यूज़ कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कुकिंग टाइम, तो वो वेरी करेगा अकॉर्डिंगली। जिस तरीके का आप पनीर को कट करके और जिस तरीके का ओवन यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप टाइम को सेट कर लें और बस प्रिपेयर कर लेंगे डिलिशियस पनीर टिक्का। गर्मा गर्म इसको सर्व करें, ऊपर से डालें चाट मसाला और साथ में निचोड़ दें नींबू का रस और ये परफेक्ट एपेटाइज़र तैयार है सर्व करने के लिए और इन्जॉय करने के लिए। हेल्दी रेसिपी भी है क्योंकि बिल्कुल लो ऑयल रेसिपी है, बहुत ही डिलिशियस भी लगती है। इन्जॉय करें, बनाएं इसे घर में और बस शेयर करें ये रेसिपी अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और लव्ड वंस के साथ। आई होप आपको ये मेथड अच्छा लगा हो पनीर टिक्का बनाने का। मैंने दोनों तरीके से शेयर करा है जो इस वीडियो में। अगर आपको पसंद आई है ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे एक और नई सिंपल इजी सी रेसिपी के साथ। तब तक डू ट्राई दिस वन आउट एंड डू शेयर इट विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ़।